हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मिशन गुरुकुल। सो मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने लेक्चर नंबर 12 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। सो ये लेक्चर जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कवर करेगा, इसके साथ ही हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स के जितने भी लेक्चर हमें करने थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और इन सारे लेक्चर्स से ही, जितने भी हमने टॉपिक्स उठाए थे, इन सारे टॉपिक से ही हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग इन्हीं लेक्चर्स पर पूरा फोकस करिए। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हमें इस कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, साथ ही साथ हमें मेल आईडी पे, हमारी जो मेल आईडी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा उसमें, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग नीचे लिखते हैं वहां पे भी लिखी होगी, तो आप उस मेल आईडी पर हमें जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, हमें भेजिए, हम लोग उनको आंसर्स करेंगे। इसके साथ ही हमने कुछ सेट्स भी जो क्वेश्चंस के थे उनको भी हमने स्टार्ट किया था, तो उसके साथ हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने कवर कर लिए हैं। तो आई होप ये सारी चीजें इनफ हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग इनको प्रिपेयर करिए। सारे लास्ट इयर्स के एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस हमने ट्राई किए हैं, जो नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हमने ट्राई किया है। तो आप लोग पूरे लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे लेक्चर्स देखिए, क्वेश्चंस बेस्ड है सारे, हर एक लेक्चर में क्वेश्चंस भी हैं, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। कोई डाउट आता है वो हमसे पूछिए, और सब चीजें इसके साथ ही स्मूथली आपके एग्जाम्स निकलेंगे। तो क्विकली हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने लास्ट लेक्चर के जो एब्रीवेशंस मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे वो देख लेते हैं। तो ये एब्रीवेशंस का भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्यों एब्रीवेशंस स्टार्ट किए थे। तो एब्रीवेशंस स्टार्ट इसलिए किए थे कि क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारे एब्रीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वो सिंपल पूछ लेते हैं, व्हाट इज यूपीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, एनआईसी, ये सारी चीजें वो सब पूछते हैं। तो ये अगर आपको पता होगा, आप लोग बार बार ट्राई करोगे तो ये चीजें आपके एक तो डेली रूटीन में आ जाएंगी, और सारे क्वेश्चंस में भी अगर आता है तो बड़े ही आसानी से आप उनको रिजॉल्व और सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपने एब्रीवेशंस जो कि है। सबसे पहला है यूपीएस, दैट इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एनआईसी, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भी इसको बोल सकते हो। एमएस एक्सेस, तो ऑप्शंस के बेसिस पे आपको देखना है। एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सो हम लोग देखते हैं लेक्चर में क्या है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है, ये डेवलप करती है एमएस ऑफिस, इसी ने बनाया है, ड्राइवर्स बनाती है, लाइसेंस बनाती है, क्लाउड में ये काम करती है, कंप्यूटर्स बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाती है, ये सारे काम माइक्रोसॉफ्ट के हैं। तो इसका फाउंडर जो है वो है बिल गेट्स, इनके फाउंडर बिल गेट्स थे। तो अब हम लोग देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि वन ऑफ द प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसका क्या काम है, इसके कुछ स्पेशल पर्पज के लिए इनके काम आते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वर्कशीट हो गया बनाना है आपको, प्रेजेंटेशन है, डेटाबेस स्टोरेज के काम आता है, कोई आपको कुछ प्रेजेंट करना है उसके लिए प्रेजेंटेशन, डेटाबेस स्टोरेज के काम आना है डेटाबेस, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर काम आ जाता है। तो इसके कुछ पैकेजेस हैं जो कि हमारे सारे जो फीचर्स हमने अभी यहाँ पे देखे सारे को करने के लिए हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, जो कि है सबसे पहला एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। तो आई होप आप सब लोगों को इनके बारे में तो पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं एक बेसिक आपको इन सब के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे ये आप एमएस वर्ड देख सकते हो, ये आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ में आपको एमएस वर्ड ये पैकेजेस मिलते हैं। तो एमएस वर्ड में ये है आपको एक टेक्स्ट को राइट करने का, जैसे अपने टेक्स्ट पैड होता है ऐसे ही ये एक एमएस वर्ड है, ये वर्ड पैड की तरह काम करता है। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो, इसमें होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ साइज, आपके फॉन्ट्स, आपके कुछ आपको अगर पेंट करना है कुछ, मतलब अगर आपको कुछ
हाईलाइट करना है, उसके लिए कोई अलग डिफरेंट काइंड ऑफ टाइटल डालना है, हेडिंग्स डालनी है, ये सारी चीजें करने के लिए एमएस वर्ड का काम होता है। जैसे कि मैंने एक डेमो आपको दिया, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मिशन गुरुकुल, तो ये सारे काम करने के लिए एमएस वर्ड होता है। देख लेते हैं एमएस पावर पॉइंट। तो जैसे पावर पॉइंट है, आपको कोई प्रेजेंट करना है, आपके ऑफिस का काम है, कहीं पे आपको किसी चीज को दिखाना है, तो हम लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि इसके फीचर्स बहुत रिच होते हैं। इसमें बहुत सारी टेबल्स आप इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर्स वीडियोस ये सब इंसर्ट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप, सारे बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पलेट्स होते हैं, जिसकी हेल्प से आप कुछ टेम्पलेट डिसाइड करके आप अपने काम को इजिली फुलफिल कर सकते हो, प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको बना सकते हो। तो ये एमएस पावर पॉइंट है। जैसे एक एग्जांपल ऑफ एमएस पावर पॉइंट मैंने दिखाया है, तो जैसे कि मैं हम लोग भी प्रेजेंटेशन आपको बताने के लिए करते हैं, तो ये सब पावर पॉइंट का भी यूज करते हैं, डिफरेंट अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ ये चीज है एमएस पावर पॉइंट। तो देख लेते हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का मोस्टली काम होता है हमारी वर्कशीट को प्रिपेयर करने के लिए। हमें कुछ देख सकते हो, जैसे कि मैंने एक वर्कशीट बनाई है, इसमें आप ये आपके ग्रिड्स हैं, आपका एक सेल है, तो इसमें क्या है, हर एक आप हेडर्स रखिए, जैसे सीरियल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका जितेंद्र यादव मिशन गुरुकुल, तो ये सारी चीजें आप बहुत डिफरेंट सीट्स होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, सीरियल नंबर होते हैं इसमें, आप फीचर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे जाओगे अगर डेटा में जाओगे तो फिल्टर कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो बेसिस ऑफ, मान लो आपको देखना है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आप फर्स्ट नेम के बेसिस पे तो आप देख सकते हो, तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशन भी इसमें कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करके आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। मान लीजिए आपका 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा है जितेंद्र यादव, इनको प्लस करना है, तो आपके फंक्शन होंगे जिसमें बोलेगा कि जितेंद्र यादव एक साथ इसका नेम लिख जाए, तो वो डायनामिक आप ये सारी चीजें यहाँ पे एमएस एक्सेल में कर सकते हो। तो आप जैसे यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट सेल्स में, अगर मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, आपको ऐड करना है, तो आपको बताना है डायनामिकली कि इन दोनों को ऐड करके क्या बनने वाला है, तो आप फॉर्मूला यहाँ लिखोगे, उसको कॉपी करोगे, तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू चेंज करो तो वो अपने आप यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो वो आप सारा कुछ काम एमएस एक्सेल में कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा फीचर है, इसको आप यूज करते हो, नहीं भी करते हो, अगर नहीं भी बताया तो आप लोग इसको ट्राई भी करिए, इसमें देखिए समझिए, इसमें बहुत सारे बहुत ही फीचर्स होते हैं। बहुत एमएस एक्सेल भी एक अलग काइंड ऑफ ओरिजिन है, यहाँ पे एक्सेल का भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो कि लोग ट्राई करते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्सेल ये सब कर सकता है। तो आप लोग देखिए अपने घर पे अगर आपके है कंप्यूटर लैपटॉप है, तो उसमें आप लोग कुछ कुछ फीचर्स को चेक करिए। एमएस एक्सेस भी एक इसका पैकेज है, वन ऑफ द पैकेज है। ये क्या करता है, ये स्टोरेज के काम आता है, आपको स्टोरेज करना है डेटा का, तो ये रिलेशनल डेटाबेस की तरह काम करता है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट टास्क के काम आता है, डेटा को मैनेज करने का काम है। ये स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कंटेन्स डेटा टेबल्स अरेंज्ड इन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। तो सारे जो फील्ड्स होती हैं, जो कि डेटा होता है, वो रिकॉर्ड्स फील्ड्स इन सब में डिफाइन होता है। तो इसके कुछ अलग अलग टाइप के, जैसे हम लोग देख सकते हैं, मैंने इमेज लगाई हुई है, जैसे ये है, ये एमएस एक्सेस का है, तो यहाँ पे देख सकते हो फील्ड 1 फील्ड 2 फील्ड 3। तो ये क्या है, ये देखो यहाँ पे जो है ना, तो हर फील्ड का ना डेटा टाइप भी होता है कि किस टाइप का ये फील्ड होगी। ये रो है आपका, तो इसको रिकॉर्ड बोल सकते हो, ये एक रिकॉर्ड है, तो एक दो दूसरा रिकॉर्ड ये है, तो आपका जैसे फील्ड 1 है, तो आप मान लो यहाँ पे इसका सीरियल नंबर है, ये रोल नंबर है, ये कुछ सीक्वेंस है, और ये इतना अमाउंट, तो ये फील्ड अमाउंट है, ये नंबर है, ये भी नंबर है, इस तरीके की फील्ड आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जाओगे तो सिलेक्ट कर सकते हो। तो फीचर्स ऑफ एमएस पैकेजेस, तो फीचर्स में क्या आता है, डॉक्यूमेंटेशन आता है, क्रिएशन कर सकते हो, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, वर्ड आर्ट, ग्राफिक्स, ये सब कर सकते हो। इसके साथ ही जैसे कि हमने यहाँ पे एमएस एक्सेस के बारे में देखा, तो एमएस एक्सेस के कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे डेटाबेस फाइल है, तो ये क्या है, फाइल एमएस एक्सेस में क्या क्या यूज होता है, तो होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जो कि बनाता है इसमें डेटाबेस फाइल में, वहां पे स्टोरेज होता है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा।
ऐसे ही डेटाबेस इंजन है, डेटाबेस इंजन क्या आप देख सकते हो, इंजन इंजन मतलब दैट इज विच इज ड्राइविंग समथिंग दैट इज यूज्ड फॉर ड्राइविंग. तो प्रोवाइड द लिंक बिटवीन डीबीएमएस एंड द फिजिकल डेटा स्टोर्ड इन आपके स्टोरेज में. जो डेटा स्टोरेज है और डेटा डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो इनके बीच में जो लिंक है वो डेटाबेस इंजन प्रोवाइड करता है. डेटा डिक्शनरी क्या है, डेटा की डिक्शनरी है, मतलब दिस इज डेटा अबाउट डेटा. जो डेटा आपका स्टोरेज है उसके बारे में डेटा, कुछ जैसे मेटा डेटा भी होता है. एक मेटा डेटा क्या होता है, वो डिस्क्रिप्शन रखता है कितनी रिकॉर्ड्स होंगे, कितनी फाइल है, क्या फाइल में क्या नाम है, ये सारा मेटा डेटा का पार्ट आता है. तो ये दिस इज वन ऑफ द डेटा डिक्शनरी भी यही है, कंटेन्स द एक्चुअल डेटाबेस डिस्क्रिप्शन यूज्ड बाय द डीबीएमएस. तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, क्वेश्चंस आते हैं ये सारे. तो और भी कुछ रिलेटेड आइटम्स होते हैं जैसे कि फॉरेन की आप लोग अगर यूज करोगे देखोगे तो प्राइमरी की फॉरेन की, ये सारे रिलेशनल डेटाबेस की टर्म्स हैं. तो इसमें क्या होता है, फॉरेन की मतलब एक की होती है, उसके वो की रेफरेंस होती है दूसरी टेबल में. तो अगर आप थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर के बेसिक उसमें अंडरस्टैंडिंग हो, आरडीबीएमएस के बारे में जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, तो एक टेबल और दूसरी टेबल के बीच में अगर रिलेशन होता है तो दूसरी टेबल के अंदर पहली टेबल का कोई रेफरेंस होता है तो उसको हम लोग पैर फॉरेन की बोलते हैं. और प्राइमरी की मतलब हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एक यूनिक की होती है, उसको हम लोग प्राइमरी की क्या बोलते हैं. रिलेशनशिप, दो टेबल मल्टीपल टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उनके बीच में कैसी रिलेशन है, कि एक टेबल का मल्टीपल रोज हो सकती हैं, एक टेबल की सिंगल रो होगी दूसरी रो में, उससे रिलेशन है कुछ, तो उसको रिलेशनशिप बोलते हैं. फील्ड आपने देखी है, फील्ड होता है एक एक जहाँ पे रिकॉर्ड स्टोरेज होता है, इसका डेटा टाइप होता है, किस टाइप की फील्ड होगी ये होता है. रिकॉर्ड एक सेट ऑफ रो को, एक रो को हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं. मैक्रोज, मैक्रोज क्या होता है, ये एक स्क्रिप्ट हम लोग बना के रखते हैं कि कोई भी एक्शन अगर मान लो हमें कोई फाइल को ओपन करना है तो हमने बोल दिया एक मैक्रो डिफाइन कर दिया कि ये मैक्रो सिर्फ इस फाइल को ओपन करेगा. तो मैक्रो काइंड ऑफ फंक्शन ही होता है जो कि डिफाइन होता है, हो जाता है, और वो उसका काम होता है जो करना है उसको डिफाइन कर देते हैं, वो उस तरीके से उस काम को करता है. तो ये सारी चीजें जो थी हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो भी चीजें आती हैं बेसिक हमें पता होनी चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चन इन चीजों से ही, लेक्चर से ही बन जाते हैं. अगर वो क्वेश्चन अगर कुछ भी आपसे घुमा फिरा के पूछे तो आपको अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पक्के से इसके बारे में आएगा. और बहुत सारे इवन आपके एग्जाम्स के साथ साथ ये क्वेश्चंस आपके आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं. इंटरव्यू में पूछ सकता है कि मैक्रोज क्या होता है, फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी क्या होती है. तो ये भी अगर आपसे पूछता है तो आपको अगर पता होगा तो आपका श्योर शॉट में बहुत सारी चीजें आपको प्लस पॉजिटिव चीजें आपके इंटरव्यू में वो दिखेंगी. तो सबसे अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि हमारे हर लेक्चर का एक पार्ट होता है वो देख लेते हैं और उसके बारे में समझ लेते हैं. और हम लोग जल्दी से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर्स देने के लिए तैयार हो जाइए. तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. एमएस एक्सेल फंक्शन विच विल रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यूज पास्ड एज आर्गुमेंट्स, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, मैक्स, मोर. सो MS Excel में जो कोई मैंने बताया था कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस हैं, आपको एक एक पूरा कॉलम है उसमें मल्टीपल आपने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ लिख के रखा है, नंबर्स लिख के रखे हैं. आपको पता करना है कि उसमें से सबसे बड़ा चीज क्या है, लार्जेस्ट क्या है. तो आपको क्या है, आपको बस एक मैक्स फंक्शन लिखना है. उस मैक्स फंक्शन के अंदर उस कॉलम का रेफरेंस पास कर देना है, सारा उसमें जो भी मैक्स आइटम होगा वो निकाल के आपको दे देगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मैक्स. क्वेश्चन नंबर 2. नंबर्स एंड फॉर्मूला एंटर्ड इन सेल आर कॉल्ड लेवल्स, इंटरसेक्शंस, टेक्स्ट, न्यूमेरिक एंट्रीज. तो नंबर्स और फॉर्मूला, तो नंबर है तो न्यूमेरिक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो न्यूमेरिक एंट्रीज है, तो वो उसको हम लोग न्यूमेरिक एंट्रीज बोलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की, बिट, बाइट, फील्ड रिकॉर्ड, बिट वाइड रिकॉर्ड, फील्ड, फील्ड वाइड, बिट रिकॉर्ड, बाइट वाइड, एस ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की, डेटा की हायरार्की. तो देखो बिट के बाद बाइट आता है, इतना तो हमें पता है.
तो यहाँ पे ये सब तो बेकार हो गया, सी और डी, तो ए और बी में ही कंपटीशन है। तो हमने देखा था ना कि हमें पता था रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड होता है एक रो को, फील्ड क्या होता है रो के अंदर जो मल्टीपल कॉलम्स होते हैं उनको बोलते हैं। तो क्या होगा, बिट बाइट फील्ड एंड रिकॉर्ड। तो बिट सबसे छोटा, बाइट उससे बड़ा, फील्ड उससे बड़ा, रिकॉर्ड उससे बड़ा। तो आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे, ट्राई करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, समराइजिंग, सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग। अरेंजिंग डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस, सीक्वेंस में करना है, तो ये सिंपल है, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंटेंट एंड द लोकेशन इन डीबीएमएस इज डिफाइंड बाय मेटा डेटा, मल्टी डायमेंशनल डेटा, सब डेटा, सीक्वेंस डेटा। तो ये अभी हमने बताया था, कंटेंट डिफाइन करना, डिस्क्रिप्शन कितना डेटा है वो सब, ये और लोकेशन क्या है, ये डीबीएमएस में डिफाइन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। क्वेश्चन नंबर 6, आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेस आर कंसिडर्ड एज रिकॉर्ड डेटा इंफॉर्मेशन इनपुट। देखो, आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेस आर कंसिडर्ड एज, तो आइटम क्या है, नेम्स एंड एड्रेस, यार ये मतलब डेटा भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, इनपुट नहीं हो सकता है मतलब, लेकिन ये रिलेटेड है एमएस एक्सेस से। तो क्या है, डेटा तो हर एक चीज डेटा होते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक जो कि डेटा का ही पार्ट होता है, डेटा से ही इन्फॉर्मेशन बनता है, लॉजिकल जो डेटा होता है उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसका जो जो नेम्स एंड एड्रेसेस को जो आइटम्स होते हैं उनको कलेक्ट करके जो बनाते हैं, तो उसको एक रिकॉर्ड होता है, वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, मल्टीपल नेम्स होंगे, मल्टीपल एड्रेसेस होंगे, तो उनका जो होगा सीक्वेंस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड उसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 6 का ए, रिकॉर्ड। 7th क्वेश्चन नंबर 7, टू प्रिंट ए फाइल और डॉक्यूमेंट क्या होता है, सिंपल है, कंट्रोल है सेव करने के लिए, कंट्रोल डी डिलीट करने के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल ए ऑल, ऑल सेलेक्ट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल पी सी। क्वेश्चन नंबर 8, डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स एज फाइल्स, डायरेक्टरीज, डिस्क, ग्राफिकल फाइल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है वो एज ए फाइल ही स्टोर होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है फाइल्स, डायरेक्टरी स्टोरेज नहीं होता है, डायरेक्टरी स्टोरेज करने के लिए एक लॉजिकल जगह बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू सेव और सेव एज, कौन सी, जब हम लोग कुछ भी हम लोग एमएस एक्सेस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखेंगे तो हम लोग सेव और सेव एज करते हैं, मोस्टली सारे सॉफ्टवेयर्स में ही ऐसे होता है, बट तो जो हम लोग मेन्यू सिलेक्ट करते हैं उसमें सेव में कौन सी मेन्यू सिलेक्ट करते हैं, तो फाइल, टूल्स, एडिट, फॉर्मेट। तो अगर देखा होगा तो फाइल, क्योंकि सेव करना है तो ये मोस्टली फाइल के अंदर ही होता है, तो जो सबसे पहली होती है फाइल, फाइल के अंदर जाओगे आप, सेव और सेव एज का ऑप्शन आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, फाइल। क्वेश्चन नंबर 10, मीनिंग फाइल नेम्स हेल्प्स इन इजी फाइल एक्सेसिंग, आइडेंटिफिकेशन। तो किस में हेल्प करता है एक्सेसिंग करने में फाइल नेम्स, ना मीनिंगफुल नेम जो होता है वो आइडेंट अगर आप देते हो किसी फाइल का, तो सो इधर पे आई थिंक थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 10th का कुछ जो करेक्ट क्वेश्चन है वो है, मीनिंगफुल फाइल नेम्स हेल्प्स इन इजी फाइल एक्सेसिंग, आइडेंटिफिकेशन, स्टोरिंग और प्रिंटिंग। तो मीनिंगफुल नेम अगर देते हो तो क्या होता है कि वो आइडेंटिफिकेशन के काम ज्यादा अच्छे से आता है, आइडेंटिफाई कर सकते हो इस फाइल का नाम क्या है, क्या काम करता है, तो आइडेंटिफाई करने के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट, फाइल, टूल्स, स्पेशल, एडिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी ए, फाइल, जो सिलेक्ट प्रिंट करने के लिए जो हम लोग होता है वो भी आप फाइल के अंदर ही जाओगे, वहां पे ही मेन्यू दिखती है, उसके अंदर ही प्रिंट का ऑप्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू सेव और सेव एज, फाइल, टूल्स, एडिट और फॉर्मेट। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट इट्स ओके। तो
सेव और सेव एज करने के लिए कौन से मेन्यू सिलेक्ट करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, फाइल। तो आई होप आपको हमारा जो ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स के जो सारे लेक्चर्स थे, टॉपिक्स थे, आपको पसंद आए होंगे। और आपको अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग हमें mail@missiongurukul.gmail.com पे लिख सकते हो। इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करेंगे, इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी हमें कुछ जो भी आपको सजेशंस, फीडबैक आपको देने हैं वो दे सकते हो। तो उसके पहले हम लोग कुछ एब्रीवेशन से इस लेक्चर को खत्म करने से पहले, इस कोर्स को खत्म करने से पहले कुछ एब्रीवेशन हैं जो कि हम लोग एक बार देख लेते हैं, जो कि मैं आपको बताता भी हूँ क्या होता है। SCSI पोर्ट, तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये हमारा SCSI का फुल फॉर्म है। PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ये PSTN है। DFD मतलब डेटा फ्लो डायग्राम, DRDO ये तो बहुत लोगों को पता ही होगा, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। तो ये सारे एब्रीवेशंस लास्ट लेक्चर के जो कि हमने आपको समझे, इनके बारे में जाना। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़।